तो ठीक है, अब जो है हम लोग पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियों को देखेंगे। और यही वो स्रोत हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य या साहित्यिक साक्ष्य जिनके आधार पर इतिहास बना है, इतिहास लिखा गया है, या किसी भी देश के इतिहास को एक ढांचा दिया जाता है। तो जो साहित्यिक साक्ष्य थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को हम लोग देखेंगे। एक बार एक डायग्राम देख लेते हैं कि क्या क्लियर हो चुका है, उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, साहित्यिक स्रोतों को हमने देख लिया है, ठीक है, साहित्यिक स्रोतों को देख लिया है हमने, ये सब हो गए हैं। चाहे उसमें धर्म ग्रंथ था, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियाँ थी, चीनी लेखक थे, अरबी लेखक थे, अन्य लेखक थे, इन सब की बात हो चुकी है। और साहित्यिक स्रोत के बाद जो अब एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है जिसको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, उन पुरातात्विक स्रोत को अब हम देखेंगे, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत किसको कहते हैं? किसी भी क्षेत्र के उत्खनन के पश्चात मिलने वाले जो मृदभांड होते हैं, सिक्के होते हैं, या फिर मंदिर होते हैं, या कहीं कोई स्थापत्य होता है। स्थापत्य कहने का मतलब जैसे कोई स्तूप हो, जैसे कोई चैत्य हो, जैसे कोई मंदिर हो, इन सबको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्षेत्र का उत्खनन किया गया, खुदाई की गई हो और वहाँ से कुछ सिक्के मिले, फिर सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, पता चलता है कि अच्छा ये सिक्के पे इस राजा का नाम है, तो ये उस समय के शासकों ने चलाया होगा। तो ये वो स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत जो वैज्ञानिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उसमें काफ़ी बातें कल्पना पर भी आधारित होती है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो किसी भी क्षेत्र के उत्खनन के पश्चात मिलने वाले पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन C14 की मदद से काल निर्धारण करके फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, और विश्लेषण के आधार पर फिर चीज़ें निकाली जाती है और फिर उसको इतिहास जो है इतिहास में आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पुरातत्व से संबंधित जो साक्ष्य हमारे, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, पहले तो ये चीज़ देख लेते हैं कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी क्या है, कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये यही सर एलेक्जेंडर कनिंघम थे जिसने गया के क्षेत्र में खुदाई करवाया, और खुदाई करने के बाद जो आज बौद्ध मंदिर हम वहाँ देख पाते हैं उसको एलेक्जेंडर कनिंघम ने बाहर निकाला, उसको उसको जो है उसका संरक्षण किया, ठीक है। आगे चलिए, तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत बड़ा योगदान है पुरातत्व शास्त्र के क्षेत्र में, और इसी कारण भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है सर एलेक्जेंडर कनिंघम को। साथ ही देखेंगे एलेक्जेंडर री A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट शेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं जो भारतीय इतिहास का निर्माण हुआ है उसमें जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है भारतीय इतिहास का, जिसको हम लोग पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कहते हैं या प्रमाण कहते हैं, इन प्रमाणों को लेकर, इन प्रमाणों के संदर्भ में एलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट, ये कितने ऐसे अंग्रेज विद्वान रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतने वैज्ञानिक तरीके से भारतीय इतिहास की खुदाई की और भारतीय इतिहास को ही बाहर निकाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। नहीं पूछा जाएगा ये सब, यानी कि अगर देखें तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। हाँ, ये क्वेश्चन सर एलेक्जेंडर कनिंघम पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 1400 BC में, 1400 ईस्वी पूर्व में अभिलेख, एक अभिलेख मिलता है। अभिलेख कहते किसको हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अभिलेख किसी भी पत्थर पर, लकड़ी पर उत्कीर्ण किया हुआ एक लेख होता है,
यानी जिसको खोद करके कुछ लिखा हुआ हो उसमें, ठीक है, किसी भी पत्थर या शिलालेख पर जो उत्कीर्ण लेख होते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं, ठीक है। तो 1400 BC में एक अभिलेख मिला है, और 1400 BC को अगर हम लोग देखते हैं तो 1400 BC का जो समय है, 1500 BC से लेकर के लगभग 600 BC का जो समय है वो वैदिक काल का समय है भारत में, और उसमें भी जो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का समय है वो ऋग्वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभिक समय को अगर आप देखिए, 1400 BC का समय है, और बोगाजकोई एक क्षेत्र है, बोगाजकोई जो एशिया माइनर यानी मध्य एशिया में पाया गया है, ठीक है। बोगाजकोई स्थान कहाँ है? एशिया माइनर या मध्य एशिया, मध्य एशिया में भी अगर क्लियर कर दें तो ईरान का वह क्षेत्र है, ईरान का, इसी ईरान से, मध्य एशिया से, ठीक है, मध्य एशिया से बोगाज कोई अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है? बोगाज कोई अभिलेख। और जानकर के हैरानी होगी, इस बोगाज कोई अभिलेख में ऐसे चार वैदिक देवताओं का, ऐसे चार वैदिक देवताओं का, एक है मित्र, दूसरे वरुण और तीसरे इंद्र और चौथे नासत्य, ये चार वैदिक देवताएं हैं जिनका वर्णन कहाँ मिलता है? बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि आर्यों के देवता जो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य है, इनका जिक्र ईरान के शहर बोगाजकोई में प्राप्त एक अभिलेख में वर्णन मिलता है। बोगाजकोई अभिलेख में भी वैदिक काल के चार देवताओं का वर्णन मिलता है। इससे ये जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं ये आर्य जिन्होंने वैदिक समाज की स्थापना की, वैदिक संस्कृति की स्थापना की, इन आर्यों का जो मूल निवास रहा होगा, या ये आर्य जो आए हैं ये कहीं ना कहीं ईरान से ज़रूर आए हैं, क्योंकि ईरान में ही एशिया माइनर जो क्षेत्र है, वहाँ जो बोगाजकोई क्षेत्र है, उस बोगाजकोई अभिलेख में एक ऐसी चीज़ मिली है जिसमें चार वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। इसका मतलब या तो आर्य वहाँ से यहाँ आए हैं, या फिर आर्य के देवताओं का प्रसार, इनकी जानकारियाँ वहाँ तक पहुँची है। तो जो दूसरी बात है वो सही तो हो नहीं सकती है, क्योंकि भारत में ऋग्वैदिक काल की शुरुआत ही 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक के बीच होता है, और ऐसे में 1400 BC में ईरान से बोगाज को यह अभिलेख का मिलना और उसमें चार वैदिक देवताओं का मिलना, यह बतलाता है कि आर्य और ईरान का आपस में कोई ना कोई संबंध रहा होगा। तो एक बात यह भी मानी जाती है कि आर्य ईरान के क्षेत्र से, मध्य एशिया से भारत की ओर आए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोगाज कोई अभिलेख कितना पुराना है यह प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर यह पूछा जा सकता है कि एशिया माइनर क्षेत्र से कौन सा अभिलेख मिला है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। तो उत्तर हो जाएगा बोगाज कोई अभिलेख, या यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोगाज कोई अभिलेख में किन देवताओं का वर्णन है, तो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का वर्णन है, ठीक है। मध्य भारत में भागवत धर्म जिसको वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, विकसित होने का जो प्रमाण मिला है ये यवन राजदूत हेलियोडोरस के। तो पहली बात तो याद रखेंगे, मध्य भारत में भागवत धर्म के विस्तार का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस, इसका एक गरुड़ स्तंभ बनवाया हुआ है विदिशा में, ठीक है। तो हेलियोडोरस के वेश नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यवन राजदूत हेलियोडोरस पुष्यमित्र शुंग के पुत्र, जिसका नाम था भागभद्र, उस भागभद्र के दरबार में यवन राजदूत हेलियोडोरस आते हैं, और उन्होंने भागवत धर्म को स्वीकार किया, साथ ही साथ भागवत धर्म के सम्मान में उन्होंने शुंग काल की राजधानी रही विदिशा
यानी व्यास नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। और बड़ा इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है, भागवत धर्म के विकास का जो काल है इससे पता चलता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे देखिए, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो हेलियोडोरस के विसनगर स्तंभ लेख से। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? यह शब्द अभी तक तो हमने देखा कि पुराणों में और महाकाव्यों में, महाकाव्य पुराण और महाकाव्य में भारतवर्ष लिखित है, लेकिन ये तो साहित्य में लिखा हुआ था, लेकिन अब क्या देख रहे हैं? अब देख रहे हैं कि पहली बार अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का यूज हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। वह प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, वह कौन सा अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये उड़ीसा में है, और इस अभिलेख से कलिंग शासक खारवेल की जानकारी मिलती है, खारवेल की जानकारी। और ऐसा कहा जाता है कि खारवेल ने ही हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण करवाया था। और यह भी पता चलता है यह जो खारवेल है यह जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? अकाल। ठीक है, तो सर्वप्रथम अकाल की जानकारी देने वाला, ठीक है, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख पूछा जा सकता है, देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा गया ये प्रश्न, तो याद रखेंगे सहगौरा अभिलेख। कहाँ है? यूपी में, सहगौरा अभिलेख। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी या अकाल की जानकारी देने वाला जो पहला अभिलेख है वह कौन सा है? तो सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। देखिए बेसिकली ये है क्या कि मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्षों का अकाल आया था, ठीक है, और उस अकाल में जो खाद्यान्न पहुंच थी वह काफ़ी सीमित हो चुकी थी। ऐसे में राज्य के द्वारा नागरिकों की सहायता के लिए एक राहत कार्य है, और उसी राहत कार्य का वर्णन जो है, उसी राहत कार्य का वर्णन कहाँ मिलता है? सहगौरा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, आगे चलिए, सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हून आक्रमण, ठीक है, हून आक्रमण ये भी मध्य एशिया के क्षेत्र से आने वाले आक्रमणकारी थे। ठीक है, तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हून आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से मिलती है? तो हून स्तंभ लेख से मिलती है। आगे चलिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरन अभिलेख से, प्रश्न बार बार पूछा गया है। ये शासक कौन थे? तो शासक भानुगुप्त थे। ठीक है, भानुगुप्त। आगे देखिए, सातवाहन राजाओं का जो पूरा इतिहास है उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, तो यह पहला वंश है सातवाहन वंश, पहला वंश है सातवाहन वंश, जिसका पूरा इतिहास किसके आधार पर लिखा गया है? अभिलेखों के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
आपको बता दिया गया है कि साहित्यिक साक्ष्यों के तुलना में जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं वो ज़्यादा प्रमाणिक और वैज्ञानिक माने जाते हैं। आगे देखेंगे, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी, श्रेणी कहने का मतलब यहाँ व्यापारी से है, ठीक है। तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर एमपी का स्थान है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलता है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख के बारे में ये बात जान लेना सही है कि ये जो मंदसौर अभिलेख है इसमें यह वर्णन मिलता है कि एमपी के जो रेशम बुनकर थे तो उनकी जो दुकानें होती थी वो दुकानों के बगल में जो दीवार होती थी उन दीवारों पर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करके रखा था अपने अपने उत्पादों अपने अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो इससे यह भी पता चलता है मंदसौर अभिलेख से, यह अभिलेखीय साक्ष्य है, पहली बार हिंदुस्तान के व्यापारियों ने एडवर्टाइजमेंट दीवारों पर लिख लिख करके किया था, इस बात की भी जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे चलेंगे, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल, ठीक है। तो हम लोग आगे जब देखेंगे स्टोन एज को, पाषाण काल को, तो पाषाण काल का जो सबसे अंतिम चरण है वो नवपाषाण काल है, और नवपाषाण काल से जुड़े हुए जो पुरास्थल यानी जो पुराने स्थल हैं उसमें से एक स्थल है बुर्ज होम, जो कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहाँ से गर्तावास, गर्तावास मतलब लोग धरती के नीचे गड्ढे में रहा करते थे, गर्तावास का साक्ष्य मिला है कि लोग जमीन के नीचे घर बना करके रहते थे, साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालते कुत्ते को दफनाने की प्रथा प्रचलित है। तो यहाँ पर मिला क्या है बुर्जहोम में? तो मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने की प्रथा, इस तरह के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? बुर्जहोम से। तो यह बताता है कि नवपाषाण काल आते आते मानव का भावनात्मक विकास इतना अधिक हो गया था कि जब मालिक मरा होगा तो साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया है, ठीक है। आगे चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको भी मैंने घेरा है सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, अब देखिए। तो आहत सिक्के क्या हैं? तो कहेंगे प्राचीनतम सिक्के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारसारपन कहते हैं, साहित्य में कारसारपन। तो आहत सिक्के और कारसारपन एक ही चीज़ है। आहत सिक्के को ऐसे भी आप समझेंगे, इसको कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। ये जो सिक्के होते थे इन सिक्कों पर बहुत जोर से प्रहार किया जाता था जिससे कि एक खास तरह की आकृति इस सिक्के पर आ जाए। क्योंकि इस कड़ी में, इस प्रक्रिया में सिक्के आहत होते थे, इसीलिए ऐसे सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है। आगे चलिए, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का यवन शासकों ने, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो यूनानी शासक हैं कितना अपडेट रहा करते थे, सिक्कों पर उन्होंने क्या किया, लेख लिखवाए। और आप अगर यवन शासकों के सिक्कों को देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा, इस पर बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि किस कौन से सिक्के किस शासक के द्वारा चलाए गए हैं, क्योंकि यवन शासकों ने तिथि भी उत्कीर्ण करवाई थी अपने सिक्कों पर और अपना नाम भी लिखवाया था, जिससे यह परेशानी नहीं हुई कि आखिर किस शासक ने इस सिक्के को चलाया था और उस शासक का कार्यकाल या शासनकाल क्या रहा। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखाने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने, ठीक है। आगे देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख को हम लोग देख लेते हैं, अभिलेख और उसके शासक पहले देख लेते हैं।
हाथी गुफा अभिलेख, अभी हम लोग बात कर लिए हाथी गुफा अभिलेख की। तिथि रहित अभिलेख है, तिथि इसमें नहीं लिखा गया है। और हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में। और कलिंग का राजा जो खारवेल था इसी से संबंधित है, और खारवेल ने ही हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया था। आगे देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट जूनागढ़ अभिलेख भी, ये गिरनार में है, गिरनार क्षेत्र में। तो जूनागढ़ अभिलेख कहा जाए या गिरनार अभिलेख कहा जाए एक ही बात है, कहाँ है? गुजरात में। और ये किस शासक से जुड़ा हुआ है? रुद्रदामन से जुड़ा हुआ है। रुद्रदामन विदेशी शासक है, ठीक है। और कौन सा विदेशी? तो शक शासक, ठीक है, रुद्रदामन। इसी रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया था। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया, विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया, काव्यात्मक शैली का सबसे बड़ा अभिलेख है, ठीक है। आगे चलिए नासिक अभिलेख, बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए नासिक अभिलेख से, ठीक है, नासिक अभिलेख के आसपास से। तो ये जो नासिक अभिलेख है ये किस वंश के शासकों से जुड़ा हुआ है? तो सातवाहन, सातवाहन शासकों से जुड़ा हुआ है। अब सातवाहन शासक में एक और अभिलेख आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, नासिक अभिलेख के साथ साथ नानाघाट अभिलेख पूछा जाता है। नानाघाट अभिलेख किस वंश से जुड़ा हुआ है? ये भी सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, नानाघाट अभिलेख से पहली बार ब्राह्मणों को दान के रूप में भूमि दी जाने की प्रथा का ये अभिलेखीय साक्ष्य यहाँ से मिलता है। इसीलिए यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों को भूमि में दान दी जाने की प्रथा किस अभिलेख में सर्वप्रथम वर्णित की गई है, या सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत के प्रारंभिक या आभासी साक्ष्य किस अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होते हैं? तो ये भी नानाघाट अभिलेख से। आगे चलिए जमींदारी प्रथा की शुरुआत, वो भी नानाघाट अभिलेख से, ठीक है। नानाघाट अभिलेख जो है वो जमींदारी प्रथा की शुरुआत का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आगे देखेंगे प्रयाग स्तंभ लेख, इसी को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। समुद्रगुप्त एक गुप्त शासक है, गुप्त वंश का गुप्त शासक। और प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ लेख है इसके रचनाकार का नाम भी पूछ लेता है, तो रचनाकार को देख लेते हैं, रवि कीर्ति नाम है, ठीक है। दरबारी कवि है किसका? समुद्रगुप्त का, रवि कीर्ति। उसी रवि कीर्ति ने प्रयाग स्तंभ लेख का जिक्र किया है। और प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के सैन्य कुशलता की काफ़ी प्रशंसा की गई है। उसमें यह बताया गया है कि किस तरह से उसने सिर्फ 5 स्टेप में, ठीक है, पूरे उत्तर और दक्षिण भारत के बहुत सारे राजाओं को हरा दिया, ठीक है। आगे चलिए एहोल अभिलेख, ठीक है। एहोल अभिलेख का जो संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से है, किससे है? तो एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। यहाँ ये याद रखेंगे, ये जो पुलकेशिन द्वितीय है इसने हर्षवर्धन को रोका था। हर्षवर्धन उत्तर भारत का सम्राट था, उसने दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की थी, और दक्षिण भारत में उसके प्रयासों पर पानी फेरने का काम किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। तो हर्षवर्धन को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने खुशी में एहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था। और एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि ली है? परमेश्वर की उपाधि ली है। आगे चलेंगे मंदसौर अभिलेख एमपी में, अभी हम लोग बात किए थे रेशम बुनकरों की, ठीक है। और इसका निर्माण, मंदसौर अभिलेख का निर्माण किसने कराया है? मालवा नरेश यशोवर्मन ने, ठीक है। ये सारे अभिलेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक कोई ऐसा अभिलेख नहीं मिला है जिससे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। ग्वालियर अभिलेख देख लेते हैं, ये प्रतिहार नरेश भोज राज्य से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर अभिलेख ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ग्वालियर अभिलेख, लेकिन भीतरी स्तंभ लेख या जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि गुप्त शासक स्कंद गुप्त से जुड़ा हुआ है ये, और भीतरी स्तंभ लेख में ही अभी हम लोगों ने खुद थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भीतरी स्तंभ लेख में यह लिखा हुआ है कि किस तरह से स्कंद गुप्त ने हूनों को पराजित करके भारत के बाहर खदेड़ा था। आगे देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में भी हम लोगों ने अभी देखा कि इसका निर्माण, जूनागढ़ अभिलेख का जो निर्माण कराया था ये रुद्रदामन ने करवाया था, साथ ही स्कंद गुप्त ने भी इस पर कुछ लाइनें लिखवाई हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखेंगे देवपारा अभिलेख, ये बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभिलेखों का अध्ययन ईपिग्राफी कहलाता है, ध्यान रखेंगे अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, ईपिग्राफी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान देंगे अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, ईपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अब ये चीज़ आप देख रहे हैं, सिक्कों से मुद्रा से आप शासक के बारे में पता कर पा रहे हैं। समुद्रगुप्त ने ऐसे कुल 6 प्रकार के सिक्के चलवाए थे, 6 प्रकार के, उसमें से एक सिक्का जो है उसमें वो वीणा बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के, इससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। तो सिक्के से हम लोगों ने शासक के स्वभाव और उसके इंटरेस्ट का पता लगा लिया। इसी प्रकार से जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनसे शासक के बारे में और शासन के बारे में, साथ में समाज, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सभी आयामों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे अरिकामेडु, ये पुदुचेरी के निकट है और हम लोगों ने बात किया था कुछ देर पहले ही। ठीक है, इरिथ्रियन सी वाला। ठीक है, तो अरिकामेडु जो है, जो पुदुचेरी के निकट है, यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौन से सिक्के? रोमन सिक्के। तो पूछा जाता है अरिकामेडु कहाँ स्थित था, पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरिकामेडु जो है मतलब रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से? अरिकामेडु से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि उस समय भारत और रोम के संबंध काफ़ी मजबूत रहे होंगे और रोमन व्यापारी भारत व्यापार करने के लिए आते थे, इसी कारण भारत के बंदरगाह के आसपास में पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे चलें, सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, कहाँ वर्मा, उस समय इसको स्वर्ण भूमि कहा जाता था, अभी वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। भारत के सबसे पहले संबंध कहाँ से, तो इसके दक्षिण पूर्वी और पूर्वी कंट्री से संबंध बने, जैसे वर्मा, मलाया और कंबोडिया, साथ में जावा। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली, नागर शैली। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मंदिर निर्माण की कला शैली, मंदिर निर्माण कला शैली। तो याद रखेंगे तीन प्रकार की शैलियां हैं, एक जिसको नागर कहा जाता है, नागर शैली, दूसरे शैली को हम लोग कहते हैं द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ के जगह पहले वेसर लिख लेते हैं, वेसर शैली। और तीसरा जो शैली है उसको द्रविड़ शैली कहा जाता है। तो याद रखेंगे नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में, इस उत्तर भारत में जो खास प्रकार की मंदिर निर्माण कला शैली थी उसको नागर शैली कहते हैं। दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण कला शैली थी उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। और उत्तर और दक्षिण के मध्य में जो दोनों के विशेषताओं से अभिभूत एक मंदिर निर्माण कला शैली थी उसको वेसर शैली कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है।
दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली। हम लोगों ने बात कर लिया है। अब आइए पंचायतन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो पंचायतन क्या है? तो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? मंदिर रचना शैली से। एक हिंदू मंदिर जब पंचायतन शैली का कहलाता है, जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक मंदिर ये, अब बीच में मुख्य मंदिर, ठीक है, ये चार सहायक मंदिर, इसी संरचना को, मंदिर निर्माण की इसी रचना शैली को क्या कहा जाता है? पंचायतन। ठीक है, अब पंचायतन मंदिर के उदाहरण देख लेते हैं। तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है खजुराहो में उत्तर प्रदेश, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो और लिंगराज मंदिर, यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मंदिर है हम लोग उसको, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश देवगढ़ में है, ठीक है, और कंदरिया महादेव। बस पंचायतन मंदिर शैली के तहत जो तीन महत्वपूर्ण मंदिर हैं उसको हम लोग देख लिए। आगे चलिए, आगे प्रागैतिहासिक काल यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो थोड़ा रुकते हैं हम लोग, फिर देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को।